ये कितने? ये 650 है। फिर भी कलम देना। कलम। हेलो। आप भी बैठ। कौन छुट्टी? यस। थैंक यू। Yeah, I'm going to go.
वो कल होगा सारा हिसाब का। हाँ वो मैंने रख लिया सर। आप थोड़ा बताते हैं इसके बारे में, अपना इंट्रोडक्शन करेगा, शॉप का नाम बताएगा, फिर ये बताएगा क्या इसके चार्जेस हैं, कैसे हैं, कस्टमर का रश। जी ठीक। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि इस वक्त माशाल्लाह रश तो काफ़ी है जी, तो बात बड़ी मुश्किल से हो रही है, लेकिन आप ये बताइएगा कि इसके क्या चार्जेज हैं, कस्टमर फ्लो इतना ज़्यादा है, क्या वजह है? एक्चुअली ये है कि रेट हमारे बहुत रीज़नेबल हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, और इसमें यह है कि जो हम डिज़ाइन मुरतब करते हैं कस्टमर को पसंद आते हैं। इसमें मिनिएचर डिज़ाइन होता है अरेबिक स्टाइल में, इसमें ये जो हम डिज़ाइन मुरतब करते हैं ये कंप्यूटर डिज़ाइन में रिलेटेड होते हैं, और दूसरी बात ये है कि कैलीग्राफी डिज़ाइन हम मुरतब करते हैं, नक्काशी डिज़ाइन मुरतब करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं लाहौर में। ये 18 साल से हम मेहंदी इंट्रोड्यूस की है, सोरेंज मेहंदी, कौन मेहंदी का बस औकात कलर नहीं आता या इमरजेंसी मेहंदी होती है तो वो बस औकात साइड इफ़ेक्ट देती है। ये ऐसी मेहंदी है कि जिसका इतना फास्ट कलर आता है, और दूसरी बात ये कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है, छोटे छोटे बच्चे लगवा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें ये जो कलर आता है एक्सीलेंट कलर होता है, ये कोई केमिकल की मेहंदी नहीं होती, बहुत अच्छी मेहंदी है, हम बहुत मेहनत से ये तैयार करते हैं मेहंदी, कलर बहुत फाइन है इसका। जी सर, चार्जेस बहुत रीज़नेबल है, जस्ट 100 रुपीज़ में भी मेहंदी लग जाती है, बहुत अच्छी मेहंदी लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। यूजुअल आप बहुत बिजी हैं इन डेज में, स्पेशली आपसे बात करना मिलना लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ गेम है, हम चाहते हैं कि आपसे थोड़ा सा टाइम लें और बताएं कि ये जो आप इस वक्त काम करें मेहंदी का डिज़ाइन बना रहे हैं मैडम के हाथों पे, तो इस पे हमारे देखने वाले जो नाज़रीन व्यूअर्स हैं इनको ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आपका क्या प्रोसीजर है। ये हम कौन से हटके ये मेहंदी हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसको 18 साल हो गए हैं मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है लाहौर में मेहंदी, और ये बहुत इन है, और इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और ये तमाम तर केमिकल से पाक मेहंदी है, छोटे छोटे बच्चों को भी मेहंदी लगा देते हैं, बड़े भी लगवाते हैं, ब्राइडल मेहंदी भी लगती है और पार्टी मेहंदी भी लगती है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 मिनट में ड्राई हो जाती है, और ये है कि कलर बहुत अच्छा आता है। हम जो डिज़ाइन मुरतब करते हैं वो कैलीग्राफी डिज़ाइन होता है, नक्काशी डिज़ाइन है, और इसमें ये जो मिनीचर डिज़ाइन है बहुत ही बारीक डिज़ाइन हम करते हैं, मुगलिया दौर की डिज़ाइनिंग इसमें हम ऐड करते हैं, ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। जी जी, तो इसमें नाज़रीन को ये भी बताइएगा जो केमिकल डालते हैं इसमें कोई ख़तरा तो कोई नहीं होता, इसमें सेफ्टी क्या है? बस ऐसे लोग हैं कि जो एमरजेंसी एक मेहंदी है या लाल मेहंदी होती है उसमें ख़तरा होता है कि वो हाथ को जला देती है। हम ये जो मेहंदी लगाते हैं बनाते हैं बहुत ही ये मुश्किल वाली मेहंदी होती है, और ये हम बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें हम खुद से अर्क बनाते हैं और रिफाइंडेबल होता है। बिल्कुल सही है, जो कहते हैं कि लकी जो इसमें जो लाइन होती है किस्मत वाली और मजबूत हो जाती है आपके काम से, ये बात सच है? ये है कि मेहंदी जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी, ख़वातीन की मेहंदी, और डिज़ाइन हो और उन एक खुशियों का ये एक मंबा है। सही, यकीन क्योंकि ये फेस्टिवल है जैसे ईद का त्यौहार सर पर है, तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आपके पास तशरीफ़ लाती हैं, जैसे मैडम है, ये बच्ची हैं हमारी सारी यहाँ मौजूद हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये क्या ज़्यादा प्रेफर करती हैं, हाथ पाँव पे, हाथों पे, बाजुओं पे, क्या ज़्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड आजकल ये है कि वो मोस्टली आज की चांद रात है, और ये है कि उनके वो चाहती हैं सेकंड लास्ट डे, और ये चाहती हैं कि हाथों पे मेहंदी लगे, खूबसूरत मेहंदी लगे, हम अपने अजीज़ों को मिलें, हम अपने रिश्तेदारों को मिलें, एक ईद का त्यौहार है, खुशियों में जब कोई खुशी का त्यौहार आता है तो ख़वातीन मेहंदी लगवाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी मेहंदी लगाएं और खूबसूरत से खूबसूरत मेहंदी लगाएं।
کیا ایسا دونوں عیدوں پہ ہوتا ہے یا خصوصاً یہ جو عید الفطر پہ؟ عید الفطر پہ زیادہ رش ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پہ بھی رش تو ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، چوڑیوں کا اور آپ کا جو کام ہے وہ سیزنل کام ہے، یقیناً بہت اچھا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیزائن آپ بنا رہے ہیں چاند بھائی، اسے کیا کہتے ہیں اس کو آپ کی لینگویج میں؟ یہ جو ڈیزائن میں مکس ڈیزائن لگا رہا ہوں اس وقت، چونکہ ہاتھ میں جو ان سا ڈیزائن سوٹیبل ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہم مرتب کرتے ہیں، بس اگر ہاتھ موٹا ہوتا ہے تو ہم باریک ڈیزائن مرتب کرتے ہیں، ہاتھ باریک ہوتے ہیں تو ہم فلنگ والا ڈیزائن مرتب کرتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ موٹا موٹا لگے، صحیح، تاکہ خوبصورت لگے۔ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے، ناظرین کو ہم دکھائیں گے، جو ویورز آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ کنٹینیو رکھیے گا اس پیٹرن کو، میری کوشش ہوگی جو ویورز ہیں ساتھ ساتھ وہ دیکھتے جائیں، آپ کے باقی لوگوں میں جو کام ہو رہا ہے تمام جو ناظرین دیکھ لیجیے۔ بیبی کو اٹھا لو، اب یہ بیبی نا اچھا میں لگوا دیتا ہوں، آپ ایک منٹ میں آگے بیٹھے تو صحیح، ادھر آئیں اور یہ
आप मुझे आने से पहले कॉल कर लीजिएगा, रात 10 बजे आप आए जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो हेलो, बच्चों की वजह से नहीं लगवा रही, सुबह फिर बच्चे मैं संभालूंगी ना, वो लगवा लेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं वो अपने काम में मगन है, ख़वातीन की लंबी क्यू लगी हुई है यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं अपने दूसरे सेकंड एपिसोड की तरफ। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये सारी रात भी हम बैठे रहें तो आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा। आप भी चाहते होंगे जल्द अज़ जल्द जो इशरा बाज़ार में चांद साहब की शॉप है, बड़ी फेमिलियर शॉप है, वहाँ पर आइए और कॉन्टेक्ट जी उनसे आप अपना जो है ना सर्विसेज ले।